द्वारा विरचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं मंगलाचरण से शुरू करेंगे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदा द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव साहूणम पंच परमेष्ठी भगवान की जय अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो आज से हम पढ़ेंगे शांतिनाथ भगवान का चरित्र है ना शांतिनाथ भगवान जो कि कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे तो उनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी अपने लिए है ना तो शुरू करते हैं संसार को नष्ट करने वाले जिन्होंने अपना खुद का संसार नष्ट कर दिया ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारा संसार नष्ट कर दिया संसार को नष्ट करने वाले जिन शांतिनाथ भगवान का ज्ञान पर्याय सहित समस्त द्रव्यों को जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रह जाने से विश्रांत हो गया विश्रांत मतलब शांत हो गया वे शांतिनाथ भगवान तुम सबकी शांति के लिए हो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला विद्वान पहले वक्ता श्रोता तथा कथा के भेदों का वर्णन कर पीछे गंभीर अर्थ से भरी हुई धर्म कथा कहे तो क्या कह रहे हैं मतलब यहाँ पर आज पहली बार उन्होंने क्या कहा कि वक्ता श्रोता और कथा ये कैसे होने चाहिए उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं तभी फिर धर्म कथा कहें तो ज्यादा अच्छा है तो विद्वान कैसा बो, बोलने वाला कैसा होना चाहिए विद्वान होना श्रेष्ठ चारित्र धारण करना दयालु होना बुद्धिमान होना बोलने में चतुर होना दूसरों के इशारे को समझ लेना प्रश्नों के उपद्रव को सहन करना मुख अच्छा होना लोक व्यवहार का ज्ञाता होना प्रसिद्धि तथा पूजा की अपेक्षा नहीं रखना और थोड़ा बोलना इत्यादि धर्म उपदेश देने वाले के गुण हैं। मतलब कि इतने सारे गुण जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं ठीक है जो आज हम और आप पढ़ रहे हैं तो हम स्वाध्याय मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं एक तरह से साथ में जस्ट एक जना पढ़ रहा है लेकिन हम सब समझ रहे हैं तो इसमें जो है वो धर्म उपदेश ज्यादा नहीं माना जाएगा लेकिन जो वाकई में धर्म का उपदेश देने वाले हैं जैसे हमारे आचार्य मुनि महाराज आदि राइट उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे होने चाहिए बोलने वाले है ना तो श्रेष्ठ चारित्र धारण करने वाले दयालु तो क्यों ऐसे सब उनमें क्वालिटीज की जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि बोलना हर एक के बस की बात नहीं रहती है ना बोलने जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे अंदर भी झलकना चाहिए और दूसरे सुनने में कितना सक्षम है उसके हिसाब से तुम्हें बोलना आना चाहिए कितने लोग होते हैं जो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं मुनि महाराज से आचार्यों से राइट और वो सबका शांति से जवाब देते हैं राइट फिर लोक व्यवहार की उन्हें जानकारी रहती है कि ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है पर्सन जो पूछ रहा है ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है और फिर उन्हें प्रसिद्धि और पूजा की अपेक्षा नहीं रहती तो फिर ये और आगे क्या कह रहे हैं? यदि वक्ता तत्वों का जानकार होकर भी से रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता? ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बात को ग्रहण नहीं करेंगे है ना सही बात भी है ये जो हम शास्त्र जी पढ़ रहे हैं ये आचार्यों का लिखा है तो आचार्यों ने खुद के जीवन में चरित्र में अपनाया तो आज हम उनकी लिखी बात को मान रहे हैं कि हाँ जो लिखा है सही है हमें भले ही समझ में कई कई जगहों पर अगर नहीं भी आ रही है बात तो हम ये मानते हैं कि आचार्य का ज्ञान बहुत ज्यादा है और हमारा ज्ञान कम है इसलिए हमें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हमें उनके उनकी नॉलेज और उनके आचरण में कोई भी डाउट नहीं है, है ना इसलिए हम उनकी हर बात को बिना शक के बिना आश मतलब डाउट के ग्रहण करते हैं यदि वक्ता सम्यक चारित्र से युक्त होकर भी शास्त्र का ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़े से शास्त्र ज्ञान से उद्दत हुए मनुष्यों के हास्य युक्त वचनों से समीचीन मोक्ष की हसी कराएगा तो क्या होगा कि उसने चारित्र तो बहुत अच्छे से पालन किया लेकिन उसने पढ़ा नहीं है, है ना खुद से बस जब लाइफ सिंपल लाइफ तो जी पा रहे हैं लेकिन शास्त्र की जानकारी नहीं है तो अब जो सामने वाला मनुष्य है सुनने वाला है और उसे थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो वो उनकी हंसी उड़ा सकता है और उनकी हंसी उड़ाना मतलब मोक्ष मार्ग की हंसी हो सकती है तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं चारित्र भी और उनको शास्त्र का ज्ञान भी जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीव का अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्चरित्रता वक्ता का मुख्य लक्षण है विद्वत्ता मतलब विद्वान पना है ना जानकारी होना और सचरित्र सच मतलब उसके चारित्र में आना तो ये दोनों उसके मुख्य लक्षण हैं यह योग्य है अथवा अयोग्य है है, है अब जो सुनने वाला है, उसके अंदर क्या होगा है ना उसको क्या लग रहा है कि ये सही बात सुन रहा है कि गलत बात सुन रहा है ये भी तो सुनने वाले को डिसाइड करना रहता है ना तो क्या कह रहे हैं इस प्रकार कही हुई बात का अच्छी तरह विचार कर सकता हो अवसर पर अयोग्य बात के दोष कह सकता हो उत्तम बात को भक्ति से ग्रहण करता हो उपदेश से पहले ग्रहण किए हुए असार उपदेश में जो विशेष आदर अथवा हट नहीं करता हो भूल हो जाने पर जो हसी करता हो गुरु भक्त हो क्षमावान हो संसार से डरने वाला हो कहे हुए वचनों को धारण करने में तत्पर हो तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से सहित हो वह श्रोता कहलाता है तो श्रोता की क्या बातें बताई कि अवसर आने पर ऐसे ही नहीं किसी भी समय अवसर आने पर अयोग्य बात के दोष अगर कोई बात उसे ठीक नहीं लग रही है तो कब कहेगा वो अवसर आने पर ठीक है उसमें ये विवेक होना चाहिए उत्तम बात को भक्ति से ग्रहण करता हो जो अच्छी बातें हैं उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करता हो और उपदेश श्रवण से पहले जैसे सुनने से पहले लेट से उसका खुद का कोई अंडरस्टैंडिंग है ठीक है ना अब अच्छा जो श्रोता है वो क्या करेगा पहले से ग्रहण किए हुए असार उपदेश जो कोई काम के नहीं थे उसमें विशेष आदर हट नहीं करता मतलब कि अपने आ, स्टबन हो जाते ना जो बात समझ में एक बार आ गई चाहे उसका कोई रेलेवेंस हो चाहे ना हो उसी पे ही अड़े रहते हैं कई लोग का ऐसा रहता है, है ना तो वो अच्छे श्रोता में नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनमें हट है अपनी बात पर अटक गए और अब सामने से अगर कोई अच्छी बात भी उन्हें सुनाई दे रही है तो वो उसको ग्रहण नहीं करते भूल हो जाने पर जो हंसी करता हो मतलब कि गलती हो जाए तो उसे हंसी मजाक में निकाल देता हो है ना गुरु भक्त हो जो सुनने वाले के साथ श्रद्धान रखता हो क्षमावान हो संसार से डरने वाला हो जो सुन रहा है जो बातें उपदेश उसे बताई जा रही हैं, उससे उसके अंदर में संसार के प्रति डर बढ़ रहा हो ये नहीं कि वो अंदर में सिर्फ विषय भोग के लिए सुनने आया हो कि भाई मेरा शायद सुनने से कुछ फायदा हो जाएगा यहाँ पर क्या कह रहे संसार से डरने वाला हो और क्या हो कहे हुए वचनों को धारण करने में तत्पर हो मतलब जो सुन लिया अब उसको उसको उतारने का लाइफ में उतारने का उसका मन हो और, और क्या गुण बताए तोता तोता क्या होता है जैसे किसी ने सिखाया तोते को खुद तो कुछ नहीं आता जिस घर में जिस जगह पर वो रहता है उससे सीखता है और धीरे धीरे ग्रहण करता है तो तोते जैसा हो मिट्टी मिट्टी होती है जैसे पहले सॉफ्ट रहती है जब ढाला जाता है उसे और बाद में हार्ड हो जाती है तो मिट्टी जैसे गुण भी हो उसमें अथवा हंस हंस क्या करता है जो भी बात हो जो भी है दूध जैसे दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है तो सार को ग्रहण करने वाला हो है ना तो ऐसे गुणों वालों से सहित वह श्रोता कहलाता है अच्छा श्रोता कौन सा होगा तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से सहित है ना जैसे कई होते हैं श्रोता जो अपने आ, जो उनके मान को पुष्ट करे उस बात को तो ग्रहण कर लेते हैं बाकी को छोड़ देते हैं तो इस टाइप का श्रोता ना हो जिसमें जीव अजीव अब कथा की बात कर रहे हैं जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थों का अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो हित हितु हितेचु ये संधि कर दिया तो हित की इच्छा हितेच्छु मनुष्य को शरीर संसार और भोगों से वैराग्य प्राप्त कर कराया जाता हो दान पूजा तप और शील की विशेषताएं विशेषता के साथ बतलाई जाती हो जीवों के लिए बंद मोक्ष तथा उसके कारण और फलों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता हो जिसमें सत और असत की कल्पना युक्ति से की जाती हो जहाँ माता के समान हित करने वाली दया का खूब वर्णन हो और जिसके सुनने से प्राणी सर्वपरि ग्रह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हो वह तत्व धर्म कथा कहलाती है अथवा दूसरा नाम धर्म कथा भी है तो क्या बताया धर्म कथा के बारे में कि जो जीव जीवादि पदार्थ हमने पढ़े थे सात तत्व और छह द्रव्य है ना तो इस तरह से उनका उन पदार्थों का अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो निरूपण मतलब एक्सप्लेनेशन फिर हित की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को जिनको कि अपना हित करना है हित कैसे करते हैं आत्मा का हित है ना शरीर का हित नहीं आत्मा का हित करना है उनको शरीर संसार और भोगों से वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो जो शरीर है ये सब छूटने वाला है भोग जो है आज है कल नहीं है संसार है तो वो भी छूटेगा तो उनसे वैराग्य हो जाता हो दान पूजा तप और शील की विशेषताएं बतलाई जाती हो उन उन चीजों में दान पूजा तप और शील में उसका इंटरेस्ट बढ़े है ना ऐसे शास्त्र जीवों के लिए बंद मोक्ष तथा उसके कारण और फल है ना बंद से क्या होगा मोक्ष का क्या कारण है मोक्ष कैसे प्राप्त करना आदि आदि पृथक पृथक वर्णन किया जाता हो और क्या हो उसमें सत्य और असत्य की कल्पना जैसे कि अभी आज हम विकारी भाव के साथ है ठीक है हमारी आत्मा शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध है ठीक है तो हमने क्या किया अंदर में शुद्धता भी देखी राइट और अशुद्धता भी देखी ठीक है ना? ज्ञान से देखी ना हमने जाना कि हाँ आत्मा एक अपेक्षा से शुद्ध ही है और दूसरी अपेक्षा से अशुद्ध भी है ठीक है ना तो इस तरह से जिसमें सत और असत की कल्पना युक्ति से की जाती हो मतलब तरीके से बताई जाती हो और जहाँ माता के समान हित करने वाली दया का खूब वर्णन हो कंपैशन हो जिसमें अंदर से हमारे अंदर कंपैशन बढ़े और जिसके सुनने से प्राणी प्राणी मतलब सभी जिनमें लिविंग है ना सर्वपरि का त्याग कर अपने घर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करते हो वह तत्व धर्म कथा कहलाती है जिसका कि दूसरा नाम धर्म कथा भी है तो ऐसी कथा ही धर्म कथा कहलाएगी बाकी कोई जो कथा है जैसे हम चोर कथा सुनते हैं भोजन कथा सुनते हैं राज कथा सुनते हैं तो वो कथाएं धर्म कथा नहीं कहलाएंगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी इस तरीके से दी कि भाई ये भी हमें पता होना चाहिए कि वक्ता कैसा हो श्रोता कैसा हो सुनने वाला बोलने वाला और क्या बोला जा रहा है ये भी समझा जाए है ना इस प्रकार वक्ता श्रोता और धर्म कथा कथा के पृथक पृथक लक्षण कहे अब इसके आगे शांतिनाथ भगवान का विस्तृत चरित्र कहता हूँ तो अब यहाँ से चरित्र शुरू हो रहा है अतनंतर जो द्वीपों का स्वामी है और लवण समुद्र का नीला जल ही जिसके बड़े शोभायमान वस्त्र हैं, ऐसे जम्बू द्वीप रूपी महाराज के मुख की शोभा को धारण करने वाला छह खंडों से सुशोभित लवण समुद्र तथा हिमवान पर्वत के मध्य में स्थित भरत नाम का एक अभिष्ट क्षेत्र है तो ये एक तरह से उसको उपमा दे दी गई है जम्बूदीप महाराज है ना जबकि किसकी बात करें जम्बूदीप जगह की है ना जो जम्बूदीप जिसमें कि हम रहते हैं राइट हम जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं राइट तो ये जम्बूदीप को क्या कहा दीपो का स्वामी राजा है वहां पर क्या है वहां भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि लेकर मतलब कि जैसे तीसरा काल होता है तो भोग भूमि है है ना और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कर्म भूमि बन जाती है तो वहां पर चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पैदा होते हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां उस भरत क्षेत्र में भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि लेकर भोग भूमि में सिर्फ भोग होते हैं भोग मतलब जो हम ग्रहण करते हैं जैसे भोजन हो गया वो भोग हो गया है ना वस्त्र हो गए और आभूषण हो गए घर हो गया ये सब भोग भोग की सामग्री है तो भोग भूमि में क्या रहता है सिर्फ भोग भोगे जाते हैं वहां पे कोई कर्म या पुरुषार्थ नहीं रहता तो भोग भूमि को से उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि लेकर आदि मतलब स्टार्टिंग से चक्रवर्ती दस प्रकार के भोग तीर्थंकरों का ऐश्वर्य और अघातीय कर्मों के भय से प्रकट होने वाली सिद्धि मुक्ति भी प्राप्त होती है इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्ग लोग से भी श्रेष्ठ कहते हैं तो चक्रवर्ती कहाँ होते हैं कर्म भूमि में ही होते हैं राइट और दस प्रकार के भोग दस प्रकार के जो चक्रवर्ती के भोग क्या होंगे जो चक्रवर्ती के भोग जो उसके वैभव रहते हैं है ना तो उनकी बात कह रहे हैं यहाँ पर दस प्रकार के उसके पास भोग रहते हैं कैसे जैसे दिव्य सब कुछ दिव्य रहता है उसका शयन आसन रत्न भोजन ये सब है ना तो इस तरह से वो चक्रवर्ती कहाँ पर होता है भरत क्षेत्र में फिर तीर्थंकर भी वहीं पर है तो तीर्थंकरों का ऐश्वर्य और अघातिया कर्म तीर्थंकर हो गए चार पहले घातिया कर्म नष्ट करके तीर्थंकर बने और फिर अघातिया कर्म जो बाकी के चार कर्म थे उनको अघातिया कर्म के भय से प्रकट होने वाली मतलब कि अघातिया कर्म को दूर करके जो सिद्ध पद मिलता है वह भी इसी कर्म भूमि में ही प्राप्त होता है इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ कहते हैं स्वर्ग से तो कोई नहीं जा सकता ना सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध नहीं बन सकता वहां से तीर्थंकर भी स्वर्गलोक में नहीं होते चक्रवर्ती भी नहीं होते तो इसलिए उसका कंपैरिजन में क्या कहा कि जो भरत क्षेत्र है वो स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है और उस क्षेत्र में रावत क्षेत्र के समान वृद्धि और ह्रास के द्वारा परिवर्तन होता रहता है जैसा भरत क्षेत्र में ऐसा ही एरावत क्षेत्र में भी वृद्धि और ह्रास वृद्धि और ह्रास मतलब कि जैसे तीसरा काल, फिर चौथा काल फिर पंचम काल ऐसे वृद्धि और ह्रास चढ़ना और उतरना है ना ऐसा परिवर्तन होता रहता है काल का उसके बीच ठीक बीच में भरत क्षेत्र का आधा भाग करने वाला अब भरत क्षेत्र को दो भागों में बांट देता है क्या चीज विद्यार्थ पर्वत पूरब से पश्चिम तक लंबा तथा ऊंचा विद्यार्थ पर्वत सुशोभित होता है ठीक बीचों बीच भरत क्षेत्र को आधे में बांट देता है और क्या होता है वो विद्यार्थ पर्वत हमने पढ़ा था विद्यार्थ पर्वत जिस पर की विद्याधर रहते हैं है ना जो कि उज्जवल यश के समूह के समान जान पड़ता है अथवा चांदी का बना हुआ वह विद्यार्थ पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोग को जीतने से जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री का इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो जैसे जीतने के बाद कोई स्माइल करता है ऐसा बताया उसकी उपमा दी है कि इस तरह का वो विद्यार्थ पर्वत दिखाई पड़ता है हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगों के ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पर्वत अपने तेज से सुमेरु पर्वतों की मानो हसी ही करता रहता है ये नदियां चंचल स्वभाव वाली हैं, कुटिल हैं, जल से मतलब जल से आद्य यानी सहित हैं, जल से सहित हैं और जलधि समुद्र जलधि होता है समुद्र जलधि को प्रिय है समुद्र को प्रिय है इसलिए घृणा से ही मानो उसने गंगा सिंधु इन दो नदियों को अपने रूपी मुख से वमन कर दिया था मतलब कि गंगा और सिंधु नदियां जो हैं वो गुफा में से निकलती हैं है ना और इसलिए ऐसा मतलब उसको बताने का तरीका है कवि की लैंग्वेज है ये है ना कि ये नदियां जो हैं चंचल स्वभाव वाली हैं कुटिल हैं जल से सहित है और समुद्र को प्रिय है मतलब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं ठीक है, है? वह पर्वत चक्रवर्ती का अनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों के द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों से सदा सेवित था और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान था तो जैसे चक्रवर्ती सबको आश्रय देता है क्योंकि चक्रवर्ती जो है छे खंड का स्वामी है अधिपति रहता है राइट तो छे खंड में विद्याधर भी आ जाते हैं और जो भवनवासी आदि देव हैं जो वहां पर रहते होंगे वो भी आ जाते हैं राइट जो तीन देव हो गए वैसे उनके द्वारा सेवनीय रहता है चक्रवर्ती और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान होता है चक्रवर्ती के पास हर तरह के इंद्रिय सुख हैं तो ऐसा ही वह पर्वत भी देव और विद्याधरों से सदा सेवित था उस पर देव भी रहते हैं और विद्याधर भी और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान था अब फाइनली बता रहे हैं कि वहां की नगरी का नाम उस विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रथनूपुर चक्रवाल नाम की नगरी है जो अपनी पताकाओं से पताकाएं होती हैं झंडा है ना झंडे से आकाश को मानो बलाकाओं से सहित ही करती रहती हैं बलाकाएं क्या है जैसे वो पक्षी होता है ना सफेद रंग का बगुले जैसा तो वो कह रहे हैं कि जैसे पताकाएं कैसे लगती हैं जैसे आकाश को मानो बलाकाओं से सहित कर दिया हो उसको बिल्कुल सफेद सफेद कर दिया हो वह मेघों को चुमने वाले रत्नमय कोट से घिरी हुई है कोट मतलब चारों तरफ से जो दीवारें बनी रहती हैं इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्न की वेदिका से गिरी हुई जम्बू की भूमि ही हो वहां धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्ष से बढ़ रहे थे नगरी की बात करें दक्षिण श्रेणी की रथनुपुर नगरी में है ना चक्रवाल नाम की जो नगरी है उसमें धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्ष से बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहर से भी नहीं दिखाई देता था अर्थात सदा छिपा रहता था तो वहां पर कोई भी दरिद्री नहीं था। जिस प्रकार अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम कठिन प्रमाण नए निक्षेप और अनुयोग इन चार उपायों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा सुशोभित होती है उसी प्रकार शत्रुओं के लिए दुर्गम दुख से प्रवेश करने योग्य चार गोपुरों से वह नगरी सुशोभित हो रही थी तो कैसे उस नगरी की विशेषता बताई कि जैसे नगरी में प्रवेश के लिए चार गेट थे ताकि अंदर घुसा जा सके ऐसे ही पदार्थों को जब जानना हो अन्य मतावलंबी जो जैन कुल में पैदा नहीं हुए है ना तो उनको किन तरीकों से बताया जाएगा प्रमाण नए निक्षेप और अनुयोग अनुयोग हम जानते ही हैं चार अनुयोग रहते हैं द्रव्य नियोग चरणानियोग है ना तो ये सब क्या है एक तरह से जानकारी के विषय है कि जानकारी देने के अलग अलग तरीके नयों की बात हमने करी थी नए मतलब अपेक्षाएं है, है ना व्यवहार नए निश्चय नए प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष और परोक्ष जो सामने आ जाए बिल्कुल है ना प्रमाण जिसमें कि इंद्रिय और अन इंद्रिय बिना इंद्रिय और इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष बताया जाए वह प्रमाण फिर नए किसी अपेक्षा से बात को कहना और निक्षेप किसी में उनकी स्थापना करके बताना जैसे नाम आदि रखकर बताया जाता है जानकारी के लिए कि ये फलाना टीचर है राइट राइट उसका नाम रख दिया तो नाम से पहचाना या उसके कार्य से पहचाना या उसके फ्यूचर में वो टीचर बनने वाला है उस तरीके से पहचाना जिन भी तरीकों से बात को समझाया जा सके पदार्थ को समझाया जा सके वैसी कठिनाई से वो अन्य मतावलम्बी उस बात को समझ पाते हैं ठीक है ऐसा ही उस नगरी में एंट्री के लिए चार गोपुर थे जिससे कि शत्रु वैसे तो शत्रु है ही नहीं वहां पर लेकिन शत्रुओं के लिए दुर्गम मतलब दुख से प्रवेश करने योग्य चार गोपुर चार गेट से वह नगरी सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की विद्या में अचारित्र यानी असंयम का उपदेश देने वाले वचन नहीं नहीं हैं, उसी प्रकार उस नगरी में शील रूपी आभूषण से रहित कुलवती स्त्रियां थीं। मतलब कि ऐसी कोई भी स्त्री वहां पर नहीं थी जिसमें शील ना हो शील ना हो मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे कि जैसे बाजार वाली लेडीज कहते हैं ना जैसे वैश्य वर्ड यूज कर सकते हैं ना ऐसा कोई भी स्त्री वहां पर नहीं थी ज्वलन जटी विद्याधर उस नगरी का राजा था जो अत्यंत कुशल था और जिस प्रकार मणियों का आकर, आकर होता है भंडार खान जैस जिस प्रकार मणियों का आकर समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्यों का आकर था वह गुणी मतलब राजा मनुष्यों में मनुष्य में गुणों का भंडार था जिस प्रकार सूर्य के प्रताप से नए पत्ते मुरझा जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रताप से शत्रु मुरझा जाते जाते थे, अर्थात जाते थे। अर्थात कांतिहीन हो और जिस प्रकार वर्षा से लताएं बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार उनकी नीति से प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोए हुए धान उत्तम फल देते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किए हुए साम आदि साम दाम दंड भेद ये नाम हमने बहुत सुने हैं है, है ना तो वो बता रहे हैं कि वो क्या करता था यथा समय और यथा स्थान उनको प्रयोग में लाता था साम दाम दंड भेद आदि उपाय बहुत फल देते थे जिस प्रकार आगे की संख्या पिछली संख्याओं से बड़ी होती है आगे की संख्या पिछली संख्या से बड़ी होती है जैसे पांच छे सात है ना तो उससे बड़ा क्या हुआ आठ नौ दस ऐसे उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओं को अपने गुणों और स्थानों में जीतकर बड़ा हुआ था सो ये राजा की एक तरह से एक अच्छा राजा जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी प्रशंसा हो रही है उसकी समस्त सिद्धियां देव और पुरुषार्थ दोनों के अधीन थी समस्त सिद्धियां मतलब जो उसने उसके पास आ, स्किल्स थे वो सब क्या थे देव दैव होना चाहिए यहाँ पे दैव और पुरुषार्थ दैव होता है भाग्य और पुरुषार्थ मतलब उसके एफर्ट तो दोनों के आधीन थी वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा आदि बाह्य प्रकृति के क्रोध से रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र का विचार करता था उत्साह शक्ति मंत्र शक्ति और प्रभुत्व शक्ति इन तीन शक्तियों से उत्साह शक्ति राजा के अंदर जरूरी है है ना किसी को भी अगर उत्साह भरा जाएगा राइट कि भाई आ, शत्रु को जीतना हो तो एक तरह से मोटिवेशनल पावर है ना उसके अंदर मोटिवेशनल पावर जरूरी है मंत्र शक्ति हो गया मंत्र शक्ति एक तरह से राज्य चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए रहती है वो मंत्र शक्ति और प्रभुत्व शक्ति जिसमें कि अपना वैभव है ना अपना धन वैभव ऐश्वर्य तो इन तीन शक्तियों का एक राजा के पास होना जरूरी है ऐसा बता रहे हैं तो इन तीनों ही शक्तियों इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियों की अनुकूलता से उसे सदा योग और क्षेम का समागम होता रहता था योग मतलब धन का आगमन और क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना ठीक है तो तीन सिद्धियों की अनुकूलता तीन सिद्धियां यहाँ पर क्या हो जाएंगी जैसे आम, अर्थ काम और पुरुष धर्म अर्थ और काम है ना तो उसकी अनुकूलता से उसे सदा योग योग मतलब पर धन का योग और छेम उसकी रक्षा का समागम होता रहता था साथ ही वह संधि विग्रह यान आदि छह गुणों की अनुकूलता रखता था संधि विग्रह गुण जो है यहाँ पर ये यह राजनीति के गुण होते हैं कि किसके साथ संधि संधि करना और किसके साथ दूर रहना ऐसे आदि छह गुण होते हैं जिनकी वह अनुकूलता रखता था जानकारी रखता था इसलिए उसका राज्य निरंतर बढ़ता ही रहता था। अब क्या बता रहे हैं? उसी विज्यार्थ पर विद्यार्थ पर्वत पर दू तिलक नाम का दूसरा नगर था तो एक नगर हमने देख लिया जहां पर ज्वलन जटी ज्वलन जटी विद्याधर राज्य कर रहा है और बहुत कुशल है ठीक है अब दूसरा विद्यार्थ पर द्युति तिलक नाम का दूसरा नगर था जहां राजा चंद्राब उसमें राज्य करता था और उसकी रानी का नाम सुभद्रा था उन दोनों के वायु वेगा नाम की पुत्री थी उसने अपनी वेग विद्या के द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओं को जीत लिया था वेग विद्या यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वेग विद्या वो वेग वैसे तो तीव्रता को कहते हैं है ना तीव्रता के साथ कोई भी कार्य करना वेग विद्या के साथ समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओं को जीत लिया था उसकी कांति चमकती हुई बिजली के प्रकाश को जीतने वाली थी जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्य की बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धि का कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणों से विभूषित वह वायु वेगा राजा ज्वलन जटी की त्रिवर्ग सिद्धि का कारण हुई थी तो क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्य की बुद्धि कि भाग्यशाली पुरुषार्थी मतलब पुरुष पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य उसकी बुद्धि त्रिवर्ग सिद्धि त्रिवर्ग सिद्धि होती है धर्म अर्थ और काम है ना तीनों चीजें उसको मिल जाती हैं अगर कोई भाग्यशाली भी हो और पुरुषार्थी भी हो ठीक है और बुद्धिमान भी हो तो उसको क्या होगा धर्म अर्थ और काम तीनों की सिद्धि उसमें कारण बन जाएगी उसी प्रकार समस्त गुणों से विभूषित वह वायु वेगा।, वायु वेगा नाम की जो पुत्री थी राजा चंद्राब की वो क्या हुई राजा ज्वलन जटी की त्रिवर्ग सिद्धि का कारण हुई मतलब उसके राजा राजा के धर्म अर्थ और पुरुषार्थ का कारण बनी ठीक है समझ आ रहा है यहाँ तक हाँ हाँ ये पहले राजा की ये वायुवेगा पुत्री थी हाँ, वो त्रिवर्ग सिद्धि की कारण हुई हाँ। हाँ। बिल्कुल नहीं तो ज्वलन जो, जटी तो पहला राजा था ना जो ऊपर हाँ, तो ज्वलन जटी के साथ सुबह इसकी वेग वायुवेगा का विवाह हो गया हाँ ठीक है है ना ये बता रहे हैं कि ज्वलन जटी की त्रिवर्ग सिद्धि का कारण हुई थोड़ा सा आ, ये कह लीजिए कि इसकी जो भाषा है वो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ने वाली है है ना तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उस समस्त गुणों से विभूषित वह वायु वेगा राजा ज्वलन जटी की त्रिवर्ग सिद्धि त्रिवर्ग सिद्धि अभी बताया था अर्थ काम धर्म अर्थ और काम जो पुरुषार्थ है उनका कारण हुई थी उसको तीनों चीजें वो वायु वेगा के आने से मिल गए प्रतिपदा प्रतिपदा मतलब पहली तिथि जो थी पहला दिन प्रथमा प्रतिपदा के चंद्रमा की रेखा के समान वह सब मनुष्यों के द्वारा स्तुत्य थी तथा अनुराग से भरी हुई द्वितीय भूमि के समान वह अपने ही पुरुषार्थ से राजा ज्वलन जटी के भोगने योग्य हुई थी वायु वेगा के प्रेम की प्रेरणा से ज्वलन जटी ने अनेक रिद्धियों से युक्त राज्य लक्ष्मी को उसका परिकर यानी दासी बना दिया था तो एक तरह से ज्वलन जटी जो भी कार्य करता था उसके पीछे प्रेरणा किसकी थी वायु वेगा की सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तु के विषय में मनुष्य क्या नहीं करता बड़े कुल में उत्पन्न होने से तथा अनुराग से युक्त होने के कारण उस पतिव्रता के एक पतिव्रता और प्रेम की अधिकता से उस राजा के एक पत्नी व्रत था, ऐसा लोग कहते हैं तो दोनों में आपस में बहुत अनुराग था और ऊंचा कुल भी था तो ऊंचे कुल में की कारण भी पतिव्रता का एक ही पति का व्रत था और राजा के भी एक पत्नी नहीं तो पहले के राजा तो कितनी पत्नियां रखते थे ना तो ये क्या कह रहा है राजा के एक पत्नी का व्रत था जिस प्रकार इंद्राणी में इंद्र की लोकोत्तर प्रीति होती है मतलब कि सारे लोक में इंद्र को अपनी इंद्राणी बहुत पसंद है उसी प्रकार उसमें ज्वलन जटी की लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूप आदि गुणों का पृथक पृथक क्या वर्णन किया जाए जिस प्रकार दया और ज्ञान के के मोक्ष होता है, उसी प्रकार उन दोनों के अपनी कीर्ति की प्रभाव से तीन लोगों को प्रकाशित करने वाला अर्क कीर्ति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिस प्रकार नीति और पराक्रम के लक्ष्मी होती है मतलब जिसके पास नीति और पराक्रम होगा उसके पास लक्ष्मी होगी ही होगी उसी प्रकार उन दोनों के सबका मन हरने वाली स्वयं प्रभा नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई, जो कीर्ति के साथ इस प्रकार प्रकार बढ़ने लगी, जिस प्रकार की चंद्रमा के साथ उसकी प्रभा बढ़ती है। तो और वायु वेगा के दो बच्चे हुए एक अर्क कीर्ति और दूसरा स्वयं प्रभा वह मुख से कमल को नेत्रों से उत्पल को आभा से मणि में दर्पण को और कांति से चंद्रमा को जीतकर ऐसी सुशोभित होती थी मानो बोह रूप पताका ही फहरा रही हो लता में फूल के समान जो ही उसके शरीर में यौवन उत्पन्न हुआ त्यों ही उसने कामी विद्याधरों में काम उत्पन्न कर दिया कुछ कुछ पीले और सफेद कपोलों की कांति से सुशोभित मुखमंडल पर उसके नेत्र बड़े चंचल हो रहे थे जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमर को पतली देख उसके टूट जाने के भय से ही नेत्रों को चंचल कर रही हो अब उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे स्वयं प्रभा की स्वयं प्रभा की इंद्र मणि के समान कांति वाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उछलकर ऊंचे स्थूल और निवीड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो यद्यपि कामदेव ने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवन से ही वह कामदेव के विकार को प्रकट करती हुई सी मनुष्य के दृष्टि गोचर हो रही थी सभी उसको देखकर काम की पीड़ा को फील कर रहे थे अतनंतर किसी एक दिन, जगत नंदन और नाभि नंदन नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आकर विराजमान हुए उनके आगमन की खबर देने वाले वनपाल से यह समाचार जानकर राजा चतुरंग सेना पुत्र तथा अंतपुर के साथ उनके समीप गया अंतपुर के साथ मतलब रानियों को लेकर रानी और पुत्री को लेकर है ना राजा चतुरंग सेना चारों प्रकार की सेना पुत्र और रानी के साथ पुत्री के साथ उनके समीप गया वहां वंदना कर उनके श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप सुना बड़े आदर से सम्यक दर्शन तथा दानशील आदि व्रत ग्रहण किए तदनंतर भक्ति पूर्वक उन चारण रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम कर वह नगर में वापस आ गया स्वयं प्रभा ने भी जो राजकुमारी थी स्वयं प्रभा ने भी वहां समीचीन धर्म ग्रहण किया एक दिन उसने पर्व के समय उपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ मलान हो गया उसने अरिहंत भगवान की पूजा की तथा उनके चरण कमलों के संपर्क से पवित्र पाप विचित्र माला विनय से झुककर दोनों हाथों से पिता के लिए दी अब ये मुझे नहीं जानकारी है कि ये क्या विचित्र माला क्या होगा है ना लेकिन कुछ उसने पाप हारिणी विचित्र माला विनय से झुककर दोनों हाथों से पिता के लिए दी राजा ने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली और उपवास से थकी हुई स्वयं प्रभा की ओर देखा जाओ पारणा करो यह कह उसे विदा किया पुत्री के चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवन से परिपूर्ण समस्त अंगों से सुंदर है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए उसने उसी समय मंत्री वर्ग को बुलाकर प्रकृत बात कही उसे सुनकर सुश्रुत नाम का मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मन में निश्चय कर बोला तो राजा जो है मंत्री वर्ग से मंत्रणा कर रहा है उसने अपने मन की बात कही और अब उसमें से एक मंत्री बोलता है कि इसी विद्यार्थ की उत्तर श्रेणी में अलका नगरी के राजा मयूर ग्रीव है उनकी स्त्री का नाम नीलांजना है उन दोनों के अश्वग्रीव नीलरथ नीलकंठ सुकंठ और वज्रकंठ नाम के पांच पुत्र हैं इनमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है अश्वग्रीव की स्त्री का नाम कनक चित्रा है उन दोनों के रत्नग्रीव रत्नागद रत्नचूड और रत्नरथ रत आदि पांच सौ पुत्र हैं। तो क्या बता रहे हैं कि उत्तर श्रेणी के अलका नगरी के एक राजा है मयूर ग्रीव उनके पांच पुत्र हैं जिसमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है उस अश्वग्रीव के पांच सौ पुत्र हैं शास्त्र ज्ञान का सागर हरिश्मि इसका मंत्री है तथा शत बिंदु निमित्त ज्ञानी उसके पुरोहित हैं जो कि अष्टांग निमित्त ज्ञान में अतिशय निपुण है अष्टांग निमित होता है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना अंग भड़कना या शगुन अपशकुन का ज्ञान होना उसको अष्टांग निमित्त ज्ञान कहते हैं निमित्त ज्ञान मतलब आगे की जानकारी दे पाने वाला निमित्त ज्ञान में अतिशय निपुण है इस प्रकार अश्वग्रीव संपूर्ण राज्य का अधिपति है और दोनों श्रेणियों का स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए इसके बाद सुश्रुत मंत्री के द्वारा कही हुई बात का विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री अब दूसरा मंत्री राजा से अपने हृदय की बात कहने लगा वह बोला कि सुश्रुत मंत्री ने जो कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नांकित बात विचारणीय है आरोग्य, अवस्था शील श्रुत शरीर लक्ष्मी पक्ष और परिवार वर के ये नौ गुण कहे गए हैं मतलब पहले के राजा या जो पहले के मनुष्य जो थे कैसे करते थे अपनी कन्या का विवाह कुलीन, कुल हो मतलब उच्च कुल से हो आरोग्य हो अवस्था कैसी है उम्र कैसी है ना शील कैसा है श्रुत उसकी नॉलेज कैसी है शरीर लक्ष्मी पक्ष और परिवार वर के ये नौ गुण कहे गए हैं अश्वग्रीव में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान है किंतु उसकी अवस्था अधिक है मतलब उसकी उम्र अधिक है अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्या के समान हो और गुण अश्वग्रीव के समान हो खोजना चाहिए तो अब बहुत सारी चॉइसेस उत्पन्न हो गई गगन का राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है मेघपुर में श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है चित्रपुर का स्वामी अरिंजय है त्रिपुर नगर में विद्याधरों का राजा ललितांगत रहता है अश्वपुर का राजा कनकरथ विद्या में अत्यंत कुशल है और महारत्नपुर का राजा धनंजय समस्त विद्याधरों का स्वामी है इनमें से किसी एक के लिए कन्या देनी चाहिए यह निश्चय है बहुश्रुत के वचन हृदय में धारण कर तथा विचार कर स्मृति रूपी नेत्र को धारण करने वाला श्रुत नाम का तीसरा मंत्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा तो पहले एक मंत्री बोला फिर दूसरा बोला और अब तीसरा मंत्री। यदि कुल आरोग्य वय और रूप आदि से सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हो तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा सुनिए इसी विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में सुरेंद्र कांतार नाम का नगर है उसके राजा का नाम मेघवाहन है उसके मेघ मालिनी नाम की वल्लभा है वल्लभा मतलब पत्नी है उन दोनों के विद्युत प्रभ नाम का पुत्र और ज्योतिर्माला नाम की निर्मल पुत्री है खगेंद्र खगेंद्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र पुत्रियों से ऐसा समृद्धिमान संपन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धि से होता है अर्थात पुत्र पुण्य के समान था और पुत्री बुद्धि के समान थी किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करने के लिए सिद्ध कूट गया था तो ये जो मंत्री है ये उस राजा मेघवाहन की कहानी या उसके बारे में बता रहा है कि उसके पुत्र और पुत्री हैं और बहुत गुणी हैं है ना और एक बार मेघवाहन जो है सिद्ध कूट गया वहाँ वर धर्म नाम के अवधि ज्ञानी चारण रिद्धिधारी मुनि की वंदना कर उसने पहले तो धर्म का स्वरूप सुना और बाद में अपने पुत्र के पूर्व भाव पूछे मुनि ने कहा हे विद्याधर लगाकर सुनो मैं कहता हूं तो यहाँ पर आ, ब्रेक लेते हैं क्योंकि फिर कहानी और आगे बढ़ती चली जाएगी कहानी में कहानी है है ना तो इसलिए हम इसको कल पढ़ सकते हैं अम्म तो एक तो जो पहले प्राची दी ने कल लास्ट क्लास में एक प्रश्न किया था कि क्लास का हम एक डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए हालांकि अपनी क्लास में इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है अपने बहुत अच्छा चल रहा है सब लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ओनली ओनली थिंक एक चीज़ जानकारी के लिए शेयर करना चाहूँगे कि जब कभी भी हम विषय से बहुत विषयांतर होते हैं ठीक है तो उसमें ये कह सकते हैं कि हमें ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है क्योंकि जो जिस जानकारी से जिस उत्साह के साथ कोई सुन रहा रहा था था मन लग रहा था, है ना और अब disturbance आ गई बीच में कोई और विषय से हटके कोई प्रश्न रहा और सभा या क्लास उस चीज को सुनने के लिए रेडी नहीं है जस्ट इन केस जानकारी के लिए बता रहे हैं कोई किसी को भी अपने ऊपर नहीं लेना है तो विषय से अलग हटके बोलने से क्या होगा कि उनका उत्साह चला गया है ना इंटरेस्ट अगर खत्म हो गया क्लास का तो जो डिस्टरबेंस आई उसका दोष लगता है ज्ञानावरणीय कर्म का बंद हो जाता है तो इसलिए अपने तो आप हाँ अपने आप को इस चीज का विवेक रखना चाहिए कि किस समय हम क्या जानकारी सबके साथ शेयर करें ठीक है हाँ तो इतना ही अपने को ध्यान में रखना है सिर्फ जानकारी के लिए नॉट जस्ट दिस क्लास इनफैक्ट कभी आगे भी कभी आप किसी धर्म सभा में पूजा विधान आदि में भी कहीं पर भी ब्रेक देते हैं रोकते हैं किसी को बोलते हुए को तो अपने ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है अब वो किस कैटेगरी का होगा वो हम नहीं कह सकते है ना वो डिपेंड करेगा आपके विचारों पे परिणामों पे हो सकता है आपके मन में वाकई वो बहुत तकलीफ दे शंका हो है ना और आप चाहते हैं कि बाकी भी इससे लाभान्वित होंगे तो आप पूछ रहे हैं उस चीज को ठीक है ना तो डिपेंड करेगा आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे तो इसलिए जस्ट जानकारी थी और आई डोंट नो मतलब इस क्लास में तो सभी बहुत अच्छा चल रहा है और आ, प्राची दी आप यहाँ पर हैं अभी तो अग, हाँ। ऐसा ही कुछ आप पूछना चाह रहे थे ये बहुत ही अच्छा आपने दिया और एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है और मैं बस ये कह रही थी कि जैसे इन ऑफिस में भी वी जस्ट यस सबका टाइम का, का uh, होना चाहिए मतलब हाँ हर जगह ही एक्चुअली <laughs> आप बिलीव नहीं करेंगे ज्ञानावरणीय कर्म खाली धर्म सभा में ही नहीं अगर इवन लाइक like हम किसी को इन जनरल भी बोलते हुए टोकते हैं राइट right? और उसको उसको नहीं बोलने देते उसके विचारों को तो अपने को उसमें भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है मतलब ज्ञान का सम्मान अंदर में होना चाहिए चाहे वो नॉलेज कैसी भी हो वो नॉलेज तो है ना तो उस ज्ञान का सम्मान के भाव अंदर में होने चाहिए तो इस ज्ञानावरणीय कर्म और कुछ नहीं है ज्ञान का सम्मान है बस इतनी ही जानकारी है बिफोर वी डिस्कस अबाउट द फ्यूचर क्लास और माई टाइम किसी को यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है ये हाँ, आपकी आवाज चली गई रीटा जी सॉरी oh, सिद्धकूट गए थे ना तो वो सिद्धकूट इज दैट द सेम एज समोशार में गए आ, ये चीज क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है मुझे सिद्ध कूट गया था तो जगह का नाम भी हो सकता है है ना जहां पर कि मुनि महाराज आए हुए थे अच्छा है ना ठीक है हाँ जी गो? इससे ज्यादा कूट सिद्धकूट मतलब पर्वत को भी कह सकते हैं कोई जगह पर्वत का नाम भी हो सकता है सिद्धकूट पर्वत है ना थैंक यू श्योर तो ठीक है मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं